वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं दरावत फैमिली व्लॉग्स। आप सब लोग कैसे, उम्मीद होगी बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और व्लॉगिंग की स्टार्ट मैंने करी है शाम से, तो 5 बज रहे हैं। तो चलो, मैंने कहा बारिश हो रही है तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब सुबह से मैंने कुछ व्लॉगिंग स्टार्टिंग की, आज ऑनलाइन क्लास थी केशव की, तो इस वजह से व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी थी। और मैंने चलो अब अच्छा भी टाइम है और अच्छा भी मौका है और बारिश हो रही है, और इस टाइम मैं बारिश आपके साथ व्लॉगिंग करने के लिए आई हूँ। मैं दिखाऊँ कि दिल्ली में कल से मैं बोल रही थी गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो बारिश स्टार्ट हो गई है। देखते हैं कैसा मौसम रहता है बारिश के बाद। बादल तो देखो काफ़ी काले हो रखे हैं, देखते हैं कितनी बारिश आ गई है। तो काफ़ी दिन से बोल रही थी और काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश। ये देखो कि तेज़ हो गई है बारिश। तो भैया मैं तो नीचे जाती हूँ, मैं गीली हो जाऊँगी। तो चलो फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। बच्चों को चाय बना, उनको तो पार्क में जाने का प्लान बन रहा था दोनों का, अब नहीं जाएंगे। और हवा भी चलने लग गई है, चलती हूँ मैं नीचे, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ऑयल लगाया क्योंकि सर धोंगी अभी, क्योंकि कल मैंने तेल नहीं लगाया था क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी ना, मन नहीं करा कल तेल लगाने का। और फिर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, फिर मैंने दिन में जब बारिश आ रही थी ना उसके बाद मैं नीचे चली गई थी ऑयल लगाने। फिर मैंने कहा सर धो दूँगी रात को, क्योंकि कल तो है थर्सडे, और फिर मैं तेल लगा मतलब सर नहीं धो सकती, तो इस वजह से मैंने ऑयल लगाया फटाफट और रात को धोंगी आराम से सर। बाकी अभी भी बूंदाबांदी चल रही है, देखो आप कितने काले बादल हो रहे हैं और हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो आज तो हो रखा है मौसम बहुत बढ़िया। भिंडी मैंने काट दी थी, मतलब तेल लगाने से पहले भिंडी वगैरह काटी थी, थोड़ी सी भिंडी सुबह कार्तिक को बना के दी थी, थोड़ी अब बनाऊँगी और थोड़ी करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वही देखती हूँ। चलो आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया कि 7 बज गए। दिया वगैरह जलाने आई थी, जला लिया, दिया तो नहीं जल पाएगा आज, धूप बत्ती करी है यहाँ पे तुलसी मैया के पास, और नीचे दिया जला के आ गई थी। और मौसम देखो, अभी भी बच्चे पारक घूम के आ गए थे, फटाफट घूम के आए, और हवा चल रही है। आपको पेड़ दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला पेड़ दिखाती हूँ, ये पीछे देखो आप कितने हिल रहे हैं ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है। अच्छा ठंडा हो गया मौसम, बहुत अच्छा मौसम हो गया आज दिल्ली में। हाँ, सब सुनने में तो आया सब जगह, कहीं कहीं जगह बारिश हो रही है। और नीचे जाऊंगी, फ़ोन में बैटरी भी लो है, देखती हूँ थोड़ा सा चार्ज करूंगी फिर शेयर करती हूँ आपको, सब्ज़ी बनाऊंगी। चलती हूँ फिर, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, फिर मैं आपको नीचे किचन में मिलती हूँ। पहले मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं टमाटर डालती थी भिंडी की सब्ज़ी में, सिंपल प्याज और हरी मिर्च से बनाती हूँ। तो मैंने ये 3 प्याज काटे हुए इस टाइप से, और लंबे लंबी हरी मिर्च काटूंगी साथ ही साथ जब तक तेल गर्म हो रहा है। और कढ़ाई मैंने रख दी है, तो स्टार्ट करती हूँ सब्जी बनाना। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तेल, फ्रेंड्स तेल हो चुका है गरम। सबसे पहले मैं डालूंगी जखिया, जो गढ़वाल में यूज़ करते हैं, हर हरी सब्जी में अच्छा लगता है जखिया का यूज़ करना। तो ये जखिया देखो कितना सारा मंगा रखा है हमने, और ये देखो ये डालने के बाद डालूंगी 3-4-5 लहसुन की कलियां है, और लंबे लंबे हरी मिर्च 4, बाद डालूंगी जीरा, लहसुन के थोड़ा लाल होने के बाद मैं डालूंगी प्याज, जो मैंने 3 प्याज काटे थे तो इस साइज में काटे हैं थोड़े, कभी कभी मैं लंबे लंबे भी काटती हूँ आज इस टाइम, क्योंकि बच्चे ना लंबे लंबे प्याज होते हैं ना तो वो एक साइड में गिर देते हैं, और मैं इस तरीके से करती हूँ तो बच्चे प्याज खा लेते हैं। लहसुन हो गए हैं लाल, अब मैं डालूंगी ये, अब मैं डालूंगी
भिंडी, भिंडी भून रही है इसमें, और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। कभी आपको शेयर भी करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट में कैसे बनाती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है मेरा ये। इस तरीके से लहसुन अदरक मैं स्टोर करके रख लेती हूँ तो काफ़ी दिन तक सेफ रहता है। हरी मिर्च डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, तीनों को मिक्स करके ग्राइंडर में घुमा के बनाती हूँ। काफ़ी यूजफुल हो जाता है और काम भी आ जाता है, तो फटाफट से सब्जियाँ बन जाती है। काटो भिंडी भून चुकी है, पहले मैं इसको फ्रीज में रख के आती हूँ। अब मैं डालूंगी सारे मसाले, सबसे पहले डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी, जो डेली वेज यूज करती हूँ मसाले वही है, और धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। गरम मिलाएंगे, आमचूर, टमाटर का यूज़ नहीं करती मैं भिंडी में, आमचूर का यूज़ करती हूँ। थोड़ा स्वाद के लिए हल्का सा चाट मसाला, स्वाद आ जाता है। मॉर्निंग में ही काट लिए थे इस तरीके से, ये आपको दिखाती हूँ। और अब इसको मैंने नमक डाल के अच्छी तरह धूप में रख दिया था, तो उसने पानी छोड़ दिया होगा जो भी कड़वापन ये, तो बस मतलब इस तरीके से काट के सब कुछ करके फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था काफ़ी सारा, जिससे ये अपना कड़वापन छोड़ दे। मॉर्निंग में करा था, धूप में रख दिया था। अब मैं इसे पहले धो लेती हूँ, सबसे पहले अच्छी तरह धोना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी रेडी हो चुकी है, अभी आपको फोटो भी खींचे दिखाऊंगी। तो अब मैं बनाऊंगी करेली की सब्जी, थोड़ा सबसे डाल दें जीरा, जीरे के बाद डालूंगी हींग, और ये जो मैंने प्याज काटे थे 3 बड़े बड़े, फ्रेंड्स मैं क्या मैं उधर चली गई थी ना, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, मैं भूल गई क्योंकि कॉल आ गया था, तो इस वजह से मैं दिखाना रह गया। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने वैसे ज़्यादा कुछ नहीं डाला, प्याज हल्के से लाल होने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक अच्छी तरह भून चुके हैं, अब मैं डालूँगी मसाले। सबसे पहले मैं डालूँगी लाल मिर्च, उसके बाद हल्दी हल्की सी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला हल्का सा, और नमक ज़्यादा नहीं डालूंगी, हल्का सा डाला। टमाटर यूज़ करूंगी मैं एक, मैंने ये एक टमाटर काटा है खट्टा सा, थोड़ा लाल नहीं, थोड़ा खट्टा टमाटर डाला है। लाएंगे आमचूर थोड़ा सा, इसको भी अच्छी तरह मिलाएंगे।
फ्रेंड्स, इस टाइम मैंने जो करेले के सारे जो निकले थे छिलके, वो मैंने इसमें डाल दिए, वो भी धो के अच्छी तरह डाले हैं मैंने, तो उसी से थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसको अच्छी तरह मसाले में मिलाएंगे और ढक दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने करेले भर दिए, तो मैं वही दिखा रही थी आपको, क्योंकि मम्मी जी पीछे ग्राइंडर चला रहे थे ना, तो इस वजह से साउंड नहीं आ रहा था, तो मैं इसी तरीके से दिखा रही हूँ। और ये बचा हुआ मसाला स्टार्ट करते हैं फिर। तो ऑयल हो चुका था गरम, तो मैं धीरे धीरे एक एक करके करेले डाल रही थी। सारे करेले मैं एक साथ फ्राई करूँगी, तो यहाँ धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, सारे करेले को मैं एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ और धीरे धीरे करूँगी फ्राई। तो फ्रेंड्स, कमरे में आ गई हूँ, करेले पक रहे हैं, इन दोनों ने खाना खा लिया। मैंने करेला रह गया था मेरा बनना, क्योंकि इनको लगी थी भूख, तो इस वजह से करेला बनना रह गया था बाकी। फ्रेंड्स, करेले फ्राई हो चुके हैं, बस थोड़ा सा और बाकी है, और बीच बीच में देख भी रही थी मैं आके, तो बस रेडी होने मसाला बचा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। वो भी अब अच्छी तरह मैं इसके साथ मिलाऊंगी, क्योंकि करेले हो गए अच्छी तरह फ्राई। करेले की सब्जी हो चुकी है रेडी, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है, कितनी टेस्टी लग रही है। और करेले की सब्ज़ी तो मेरी बहुत फेवरेट है, तो इसकी वजह से मैंने आज खाना अभी नहीं खाया। और ये है भिंडी, दोनों ही आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, और कार्तिक की भी ये फेवरेट है। यहाँ पे मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, बाकी सब ने तो खा लिया था। यहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ, भिंडी और ये करेला दिखा रही थी, दोनों को टेस्ट करके मैं आपको बता रही थी कि दोनों सब्जी बहुत टेस्टी बनी, तो आप भी आ जाओ। काफ़ी रात हो गई, 10:30 हो गए आज, मेरे को खाते खाते लेट हो गई आज खाना खाने में, और क्योंकि बच्चे फिर खाना खाने लगे, आपको बताया था मैंने, तो इस वजह से टाइम हो गया ज़्यादा, उन्होंने तो खा लिया, बर्तन भी ज़्यादा दे रहे कि सब आज कम कर पाओ। तो फिर मैं खाना खाती हूँ, खाना खाते खाते मुझे थोड़ा धीरे धीरे खाऊंगी, टाइम लग जाएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो आज की, तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करना प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, देखो मैं पीछे क्या हरकतें कर रहा है। तो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।